फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नान। नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून नमक। अब 250 ग्राम मैदे के अंदर हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सूजी, नमक और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नान का आटा सानने के लिए हमें ईस्ट चाहिए। इसके लिए पानी में चीनी डालेंगे और उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे माइक्रोवेव में। अब इस गर्म पानी में 2 चम्मच ईस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट ईस्ट डालने के बाद फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। मैदे के अंदर 1 चम्मच घी डालें और उसको अच्छे से मिला लें। अब मैदे के अंदर ईस्ट वाला पानी डाल करके एक डो बना लेंगे सॉफ्ट सा। पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालें और फिर उसको मिलाते जाएं। नान का डो बनने के बाद उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। नान का डो अच्छे से सेलोफिन रैप से कवर करके उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। दो घंटे बाद आप देखेंगे कि आपका नान का आटा काफी फूल गया है। अब आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब नान बनाते हैं। नान बनाने के लिए हम लेंगे पानी, सूखा मैदा, कसूरी मेथी, वाइट तिल और मंगरेल। नान को सूखा मैदा लगा के अच्छे से बेल लें। अब इस पे मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ा सा। व्हाइट वाला तिल और मंगरेल। मंगरेल डालने के बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे ताकि ये सब आटे में अच्छे से चिपक जाए। अब नान को पलटकर उसके पीछे 1 चम्मच पानी लगाएंगे। तवा गरम होने के बाद उस पर हम नान रख देंगे और हम देखेंगे धीरे धीरे ये नान फूल रही है। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि नान अच्छे से फूल गई है। अब तवा को पलट के नान को दूसरी तरफ से सेके। पानी इसलिए लगाया है ताकि आंच के ऊपर नान ना गिरे। देखिए नान अच्छे से सिक गया है। मैं आपको इसके दूसरे साइड का भी दिखाती हूँ, वो भी अच्छे से सिक गया है। गर्मा गर्म नान को दाल मखनी के साथ सर्व करें।